जाते हैं, बात अब रायपुर की करते हैं। निगम मंडल नियुक्ति पर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। निगम मंडल में नियुक्ति मेरा विशेषाधिकार है। हमारी खासियत कि हम एक राय से एक नाम तय करेंगे, सभी के समन्वय से निगम मंडल में नियुक्ति होगी। तो निगम मंडल की नियुक्ति को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने यह कहा है कि हमारी खासियत कि हम एक राय से नाम तय करेंगे। और लगातार हम देख रहे हैं कि रायशुमारी का दौर चल रहा है, बैठकें लगातार जारी है, तो उम्मीद की जा रही है कि आज या कल में ये सूची आ सकती है जिसमें तवज्जो सीनियर लीडर्स को दी गई है। वो बाद में आएगा। देखिए, सामूहिक नेतृत्व का यही है कि सबसे रायशुमारी करके, सबसे बातचीत करके कोई फैसला ले, अन्यथा निगम मंडल में नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है, वो जिसे चाहे नियुक्त कर सकता है, वो बाद में आएगा। देखिए, सामूहिक नेतृत्व का यही है कि सबसे रायशुमारी करके, सबसे बातचीत करके कोई फैसला ले, अन्यथा निगम मंडल में नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है, वो जिसे चाहे नियुक्त कर सकता है, वो बाद में। सभी के समन्वय से निगम मंडल में नियुक्ति होगी। हमारी खासियत है कि हम एक राय से नाम तय करेंगे, सीएम भूपेश बघेल ने कहा है। तो उसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे कि क्या वजह हो रही है जो निगम मंडल की सूची अभी तक अटकी हुई है, क्यों इतनी लेट लतीफी हो रही है, क्योंकि लगातार इसको लेकर बैठकों का दौर भी चल रहा है। न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल छत्तीसगढ़ से इस खबर पर अधिक अपडेट्स के लिए जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो अभिषेक जी, जानना चाहूंगी कि निगम मंडल नियुक्ति को लेकर आखिर कहां पेंच फंसा हुआ है। हालांकि कांग्रेस लगातार ये कह रही है, खासतौर से सीएम भूपेश बघेल, की कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जहां पर कहीं भी असंतुष्टि हो, सभी के समन्वय से निगम मंडल में नियुक्ति होगी, जिसमें ये भी एक बताया गया है फैक्टर कि सीनियर लीडर्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। लेकिन आखिर इतनी लेट लतीफी क्यों हो रही है और कब तक हम ये माने कि सूची जारी हो सकती है? देखिए करिश्मा, बैठकों का दौर चल रहा है लगातार, और आज सीएम ने एक बड़ी बात कही है कि निगम मंडल में नियुक्ति जो है सीएम का विशेषाधिकार होता है, लेकिन उसके बावजूद हम समन्वय के साथ काम कर रहे हैं, समन्वय के साथ नियुक्तियां होंगी, सभी से बात करके नियुक्तियां होंगी। इसका मतलब साफ है कि सभी लोगों से बात की जा रही है और सभी लोगों से बातचीत के बाद किसी एक कुछ नाम पर फाइनल मुहर नहीं लग पा रही है। यही वजह है कि लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। यहाँ पर कई नाम ऐसे हैं जो कि एडजस्ट नहीं किए जा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, उस पर फाइनल मुहर नहीं लग पा रही है। कई लोग अपना प्रस्ताव, अपने नाम लगातार सीएम के पास ला रहे हैं। यही वजह कि सीएम को आज बोलना पड़ा कि सीएम का विशेषाधिकार होता है निगम मंडल में नियुक्ति। हालांकि हमारा विशेषाधिकार है, उसके बावजूद हम सबसे बात करके, सबसे समन्वय के साथ ये नियुक्ति करेंगे। इसका मतलब साफ नजर आ रहा है कि बैठकों का ये दौर अभी और कुछ चल सकता है, अभी सभी नामों पर फाइनल मुहर नहीं लगी है। हालांकि माना जा रहा है 2 साल जब कार्यकाल पूरा होगा सरकार का 17 तारीख को, उससे पहले ये नामों का ऐलान यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन कई नेताओं के असंतुष्ट होने की भी बात यहाँ पर सामने आई कि वो अपने नामों के, कुछ अपने पसंदीदा नामों की एंट्री कराना चाह रहे थे, लेकिन उन नामों पर सहमति नहीं बन पा रही थी। यही वजह है कि लिस्ट को लेकर कोई फाइनल नाम अब तक तय नहीं हो पाया है, लिस्ट जारी नहीं की गई है और बैठकों का दौर चल रहा है। बहरहाल अब सीएम ने जरूर कहा है कि समन्वय के साथ सब कुछ तय होगा, सबके नाम तय होंगे, फाइनल मुहर जो है मुख्यमंत्री ही यहाँ पर लगाएंगे और उसके बाद ये लिस्ट ऊपर जाएगी आलाकमान के पास और जारी की जाएगी। तो लिस्ट का इंतजार तो करिश्मा जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन एक बात साफ है कि कई ऐसे लोग हैं जो अपने पसंदीदा नामों की प्रविष्टि कराना चाह रहे थे, लेकिन उनकी एंट्री इसमें नहीं हो पाएगी। चलिए, तो काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं सब, लेकिन अब ये देखना होगा कि किस नाम पर आखिर सहमति बनती है। हालांकि सीएम भूपेश बघेल ने साफ तौर से कह दिया है कि ये उनका विशेषाधिकार है, निगम मंडल में नियुक्ति मेरा विशेषाधिकार है, हमारी खासियत है कि हम एक राय से नाम तय करेंगे, इसलिए समन्वय बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी ये लिस्ट जारी हो। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।